बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल अरीशा। एंड आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप जान चुके हैं, हम अपनी वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। मैं अपनी जो वीडियो एडिट करती हूँ, जो कि मैं रिसेंटली अपलोड करती हूँ, उसमें जो है बैकग्राउंड में एक फ़ोन कवर लगा हुआ होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा तफसील से बताऊँगी कि किस तरीके से वो बैकग्राउंड में फ़ोन कवर और आगे आपकी वीडियो चलेगी। तो सबसे ईजी जो ऐप है अब वो है काइंड मास्टर। तो आपको काइंड मास्टर ओपन कर देना है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करके इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन आपने जो है न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया। देन उसके बाद आपने यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बनानी है तो 16:9 को आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट, इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ से इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। देन आपने यहाँ से इसको जो है मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है। जो आपने फाइल लेनी है वो आपने सेलेक्ट करनी है। अब देखिए, मैं अपनी वीडियो के पीछे क्या लगाती हूँ, कवर बैकग्राउंड, यानी कि जिस पे फ़ोन कवर बैकग्राउंड होता है, ठीक हो गया, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड होता है ये आपको गूगल से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। ये जो बैकग्राउंड है, ये जो मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, ये गूगल से आपको इजीली मिल जाएगा। और भी बहुत सारे जो है बैकग्राउंड आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस लगाता है। देन यहाँ पे आपने कट कर देना है, यहाँ पे आपने कट कर देना है। कट करने के बाद ये देखिए हमारी पिक्चर आ चुकी है। और इस पिक्चर को आपने जो है एडिट करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे साइड में से ये चीज़ आ चुकी है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को, मतलब आपने पेन एंड जूम में जाना है। सबसे पहले पेन एंड जूम में जाएंगे तो यहाँ पे एक, मतलब यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक किया तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपने अपनी जो पिक्चर है इसको जूम आप कर सकते हैं। अब आपने जितना जूम करना है उतना जूम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जूम किया और ठीक है, तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना जूम करना है आपको उतना आप कर लें, ठीक है। तो मुझे इतना जूम करना है तो मैं इतना ही कर लूँगी, ठीक है। जूम करने के बाद आपको पैक चले जाना है। पैक जाने के बाद और भी पैक चले जाना है। देन आपने लेयर पर क्लिक कर देना है। जो आपने रिकॉर्डिंग की है वो आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप उस रिकॉर्डिंग को क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कट, देन यहाँ पे जो है इस जो मैंने सेलेक्ट किया उसको क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। देन नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको ट्रांसकोड का ऑप्शन मिल रहा है, इस ट्रांसकोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसकोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये डाउनलोडिंग हो रहा है, तो ये डाउनलोडिंग हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। जैसे ये ट्रांसकोड हो जाएगा तो इसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो आपने बैक इसको ही क्लिक कर देना है। इसको होल्ड करके आपने इस पिक्चर के नीचे ही रखना है, ठीक है। होल्ड करके इस पिक्चर के नीचे रखना है। देन इस पिक्चर को थोड़ा सा लंबा कर देना है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के ये जो ये है, ये चीज़ 3 डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको पकड़ के आप इसकी ड्यूरेशन ऑन बढ़ा सकते हैं। तो मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ाती हूँ इस पिक्चर को ट्रैक करके। देन आपने पैक जो है आपने इस ये जो हमारी वीडियो है इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं।
यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है इसको क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमारा बैकग्राउंड अपनी वीडियो पे जो है वो लग चुका है। ठीक है, इसके बाद आपने जो है अपनी वीडियो को आगे करना है, यानी कि आप इस तरीके से अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ से जो है काफ़ी सारी जीमेल अकाउंट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो इसको हमने ब्लर कर देना है। तो ब्लर कैसे कर सकते हैं, हमने अपने वीडियो के पार्ट को अपने ब्लर कैसे कर सकते हैं, लेयर पे जाके, लेयर पे देन इसके बाद इफेक्ट पे जाके, बेसिक इफेक्ट पे जाके इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद बैक का आना है, देन यहाँ से आप अपना एडिट कर दें जो भी नज़र आ रहा है। तो आगे करके जितना नज़र आ रहा है इसकी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ेगी, तो यहाँ से इसकी ड्यूरेशन क्या कर दें आप, बढ़ा दें। ठीक है, ये मैं बढ़ा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ से अपनी आपने ब्लर भी कर दिया। बैक आएंगे यहाँ से जो है फिर से एक अकाउंट जो है नज़र आ रहा है, तो इसको भी इसकी पोजीशन हम देखेंगे, देन इसको भी ब्लर कर देंगे। यहाँ से लेयर पे जाके, इफेक्ट पे जाके, देन वही सेम आपने कर देना है। इसके बाद यहाँ से आप इसकी जो है कम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको ब्लर कर दिया मैंने, और तो यहाँ से ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ जितना ये है। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो है हो गया है, देन ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सारा हमें कुछ भी नहीं करना है एडिट। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपनी वीडियो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सब्सक्रिप्शन बटन लगाना है, तो सब्सक्रिप्शन बटन लगाने के लिए फिर से एक बार लेयर पे आ जाना है, देन मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद आपने जो भी सब्सक्रिप्शन बटन डाउनलोड किया है वो उठा लेना है। ठीक है, जो मैंने डाउनलोड किया है वही उठाया है, देन नीचे जाना है, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर देना है। ठीक हो गया, ट्रांसपोर्ट कर देना है, ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देन इसको थोड़ा सा कम कर देना है, देन ये जो ग्रीन ग्रीन है आप चाहते हैं ये ग्रीन ग्रीन इस हमारी वीडियो में ना आए, तो इसको इसके लिए आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल डाउन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रोमा की का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद अनेबल कर देना है, अनेबल करने के बाद खुद ब खुद ये सही हो जाएगा। ठीक है, देन आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब्सक्रिप्शन बटन भी लग चुका है। ठीक है, तो इसको साइड, इसको बड़ा कम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं साइड पे रख दूंगी। ठीक है, अब इसका जो है दो तीन बार आप वीडियो में लगाना चाहते हैं तो इसको डुप्लीकेट कर दें, यहाँ से इसको टच करके, देन यहाँ से थ्री डॉट्स या आपको जो कोने में थ्री डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसको क्लिक करके डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है।
डुप्लीकेट पे क्लिक करके आपको यहाँ से इसको होल्ड करके फिंगर रख के होल्ड करके फिर आपको आगे लेके जाना है, जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं वहीं पे आपको रख देना है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो हो चुकी है एडिट, देन इसको आप यहाँ से जो है सेव कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन आ रहा है, ये आप कर दें। इसको कुछ भी नहीं करना, आपने जस्ट यहाँ से सेव कर देना है, सेव कर देना है। मैंने सेव कर दिया। सेव होने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो वीडियो है वो गैलरी में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेके मेरी वीडियो जो है सेव हो चुकी है। तो बैक हम जाते हैं। बैक जाने के बाद आपको जो है अपनी गैलरी में जाना है, फोटोज़ में जाना है। फोटोज़ में आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पे आ चुकी है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ चुकी है मेरी वीडियो। इसको टच करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, जो जो मैंने एडिट किया था वही इस वीडियो में आ रहा है। ब्लर भी आ रहा है, देखें ब्लर भी आ रहा है, सब्सक्रिप्शन बटन भी आ रहा है, जो जो मैंने आपको समझाया था वो सब कुछ आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके और आप मेरी वीडियो को देख सकें और आप उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड फ्रेंड्स।